चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और तमाम लेक्चर्स हमारे ब्लॉग पर मौजूद हैं। हर रोज़ एक नया लेक्चर अपलोड होता है, ज़रूर फॉलो करें हमें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने बेसिकली तीन लॉज पेश किए थे जो कि हम पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, वही हम दोबारा रिपीट करेंगे और थोड़ी सी इनकी डिटेल देखेंगे। अच्छा, न्यूटन्स लॉज आर एम्पिरिकल लॉज डिड्यूस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। दे वर क्लियरली स्टेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सर आइजक न्यूटन, हु पब्लिश देम इन 1687 इज फेमस बुक कॉल्ड प्रिंसिपिया। अच्छा, अब सबसे पहली बात की ये जो लॉज हैं फिजिक्स के, न्यूटन्स लॉ, ये बहुत बेसिक लॉज हैं और ये बेसिकली तमाम तर जो लॉज हैं ये एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे हमारे सामने हैं। यानी एक्सपेरिमेंट्स करने का मतलब है कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू गुजर के ये लॉज जो हैं हमारे पास पहुँचे हैं। उसके अलावा जो इसने दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया एम्पेरिकल, एम्पेरिकल का मतलब ही हुआ जो कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो। अब चूंकि ये एम्पेरिकल लॉ यानी कि ये एक्सपेरिमेंट पे ही बेस्ड है। अच्छा, उसके अलावा कहता है कि इसने जो लॉज थे सारे के सारे ये इसने 1687 में अपनी किताब प्रिंसिपिया में शाये किए थे। अच्छा, न्यूटन्स लॉ एडिकेट फॉर स्पीड्स दैट आर लो कम्पेयर विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब वो दूसरी बात उसने ये की है, अब दूसरी बात ये कि जो अब आया था आइंस्टाइन आया था, उसने स्पीड ऑफ लाइट और एनर्जी का रिलेशन निकाला था। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो न्यूटन्स के लॉ है ना ये इतनी हाई स्पीड पे वर्क नहीं करते और ये कंपेरेटिवली लो स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से कम जितनी भी स्पीड्स हैं उन पे काम करते हैं। ठीक है, फॉर द वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एक्सीलरेटर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इज एप्लीकेबल। अब कहने का मकसद उसने एग्जाम्पल दिया, उसने कहा कि जितने भी हमारे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है जो कि बेसिकली एटॉमिक पार्टिकल्स की मोशन और उनकी एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है या उनकी स्टडी को कहते हैं, वो सारी की सारी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थीरीज दी थी वो उन पर एप्लीकेबल है, ना कि ये। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज लॉज इन योर सेकेंडरी स्कूल फिजिक्स, हाउएवर समराइज रिव्यू इज गिवन। वही दोबारा कह रहा है कि 9th क्लास में उन्होंने पढ़ी थी, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम है। ठीक है, और ये इसकी डेफिनेशन है सारी। ठीक है, अब इसका मतलब सेम वही मतलब है जो 9th क्लास में मतलब था इसका, कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी और जो मूविंग बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, फर्स करें 5 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, तो वह तक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ही मूव करती रहेगी जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो ना अप्लाई की जाए, वो भी एक्सटर्नली। ठीक है, यानी कि बाहर से कोई इस पर फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये अपनी जो स्पीड चेंज कर लेगी या अगर रेस्ट में आता तो वो मूव करने लग जाएगी। ठीक है, इसका हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंडिंग टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रेफर टू एस ऑब्जेक्ट इनर्शिया। अब कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या वो चलता रहेगा। ठीक है, और ये किस वजह से, ये इनर्शिया की वजह से है। वो कहते हैं कि वो टेंडेंसी कि कोई ऑब्जेक्ट चाहती है कि वो रेस्ट में रहे या वो मूव करती रहे, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। मतलब कि अगर बॉडी रेस्ट में है और उसको आपको मूव करने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ती है, और ये जो फिनोमिना है कि हमें फोर्स लगानी पड़ती है एक रेस्ट वाली बॉडी को मूव कराने के लिए और या एक मूविंग बॉडी को रेस्ट पर लाने के लिए, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। द मोर इनर्शिया द स्ट्रॉगर इज द टेंडेंसी इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स। यानी कि अगर फर्स्ट करें एक बॉडी रेस्ट में है उसकी इनर्शिया बहुत ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए। ठीक है, और अगर एक मूविंग बॉडी है उसकी इनर्शिया ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब बेसिकली वो कहते हैं कि जो अगर आपने इनर्शिया मेजर करना है ना किसी चीज़ का तो आप उसका मास ले ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो बेसिकली उसका क्वांटिटेटिव मेजर दे रहा है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कहते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अब जारी बात है हमने पहली बात की थी कि ये जितने भी हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी मोशन पे ये लॉज एप्लीकेबल नहीं है, उसकी वजह कि एक तो वो बहुत छोटी है। अब वो कहते हैं कि जो वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिस पे ये एप्लीकेबल है, वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि एक बॉडी को रोकने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़े या कह लेंगे कि बॉडी की एक स्पेसिफिक इनर्शिया हो तभी ये एप्लीकेबल है। अच्छा, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशन ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो कहते हैं कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अर्थ जो है हमारा प्लैनेट अर्थ वो जो मूवमेंट करे वो तकरीबन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी कि हो सकता है उस पर अप्लाई करें, हो सकता है ना करें। बेसिकली जो लॉ अप्लाई होती है ना वहाँ पे वो ग्रेविटेशन फोर्स की लॉ है। ठीक है, वो भी न्यूटन ने ही दी थी। अच्छा, ये होगी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दूसरी लॉ ऑफ मोशन आ गई हमारी, अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। अब फोर्स जो है किसी बॉडी पे अप्लाई होती है, सेम फर्स्ट लॉ वाली बात, तो वो क्या करती है, वो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है।
द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस वेरीज डायरेक्टली विद द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली विद द मास ऑफ द बॉडी. अब वो कहते हैं कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरह रिलेटेड है, ये वही फार्मूला जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था. डेरिवेशन थी बेसिकली एक के जो आपकी एक्सेलरेशन है ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एफ के, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है हमारी मास के, यानी कि जिस बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई थी उसके मास के. जितना ज़्यादा मास होगा और अगर हम कॉन्स्टेंट फोर्स लगाएं तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. ठीक है, डिपेंड करता है बॉडी. उसी तरह हमारे पास ये रिलेशन आया था कॉन्स्टेंट ऑफ, जो हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था वो 1 था, तो इसलिए मेरे पास ये रिलेशन आ गया था. अच्छा, दूसरी बात ये कि अब दोनों वेक्टर्स हैं फोर्स और एक्सेलरेशन, तब भी वेक्टर्स ही थे लेकिन इस बार डायरेक्शन को उसने ज़रा इंपॉर्टेंस दिया. उसने कहा कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है और फोर्स की डायरेक्शन है ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि वैक्टर्स दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि अगर जो इसका डायरेक्शनल वैक्टर होगा वो इसका डायरेक्शनल वैक्टर होगा. ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. अब ये स्टेटमेंट जो है ना वो समझने के लिए बहुत इजी है. जैसे कि उसने कहा था कि जब हम एक बॉल को मारते हैं दीवार के ऊपर तो वो एक फ़ोर्स के साथ वापस आती है, ठीक है, और थोड़ी सी फोर्स वो दीवार एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अगर इग्नोर कर दे तमाम तर फ्रिक्शनल फोर्सेस तो हम ये देखते हैं कि जितनी फोर्स के साथ बॉल जाती है किसी दीवार पर लगती है उतनी फोर्स के साथ वापस आती है. ठीक है, मतलब एक फ़र्ज़ करें एक बॉल को हम दीवार पर मारते हैं, ये दीवार है हमारी, तो इसी फोर्स के साथ ये वापस आती है. फ़र्ज़ करिए जाते वक्त इसके ऊपर एफ़ फोर्स लग रही थी तो वापस आते हुए इस पर माइनस एफ़ लग रही होगी. माइनस एफ़ कहने का मकसद है कि डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होगी. ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन एवर एन इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑब्जेक्ट एग्जर्ट्स द सेम फोर्स ऑन अदर बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम. अब वो कहता है कि फर्ज करें दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं. फर्ज करें एक बॉल है, जिस तरह वो मोमेंटम वाली एग्जाम्पल थी कि एक बॉल आके दूसरी बॉल को लगता है और वो बॉल जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, तो जब पहला बॉल दूसरे को आकर लगता है ना तो पहला वाला रेस्ट पर रहता है अगला वाला चलने लग जाता है. ठीक है, वो उसके बाद इनर्शिया को हम स्टडी करने लग जाते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि एक बॉल रुकता है और अगला चलने लग जाता है, ये इसी वजह से कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की वजह से हो रहा है. ठीक है, अच्छा, ईच फोर्स इन एन एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ओनली ऑन वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बॉडीज, द एक्शन रिएक्शन फोर्सेज नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी. अब वो कहते हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज होती है ना ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती हैं, मतलब जहाँ भी हम स्टडी करेंगे ना एक्शन रिएक्शन बेसिकली दो बॉडीज होंगी. जिस तरह वो बॉल को दीवार पे मारे तो एक बॉडी बॉल थी और दूसरी दीवार थी. ठीक है, एक फोर्स दीवार पे लग रही थी और एक फोर्स जो दीवार बॉल पे मार रही थी फोर्स अप्लाई कर रही थी. ठीक है, अच्छा, उसी तरह कहता है कि जब भी हमारे पास जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज होंगे ना वो ये, तो एक तो ये कि हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज में होंगी, दूसरी बात ये थी कि इनकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज की. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारी थर्ड थ्री लॉज ऑफ मोशन कम्प्लीट हो गया. अगला टॉपिक मोमेंटम है, वो हम कल करेंगे. आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़.